गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास थ्री, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड हेल्दी। वेलकम बैक टू योर ईवीएस क्लास। स्टूडेंट, टुडे डेट इज 2 दिसंबर 2020 and I am teaching you chapter number 19 and name of the chapter is Things We Make. What we have done study in our previous video. So student, in the previous video, I explained you that in the past time, I am talking about the past time when early man move from one place to another in search of food and shelter, because at that time we don't know how to do the cultivation. But after some time, early man is also living the life like a animals in the forest. अर्ली ह्यूमन भी बींग भी जैसे एनिमल्स बेटा फॉरेस्ट में रहते हैं, वैसे ही उसकी लाइफ भी थी। ये टोटली डिपेंड अपॉन प्लांट्स एंड आल्सो ही हंटेड द एनिमल्स। वो एनिमल्स को भी मार के किल करके खाया करता था। सो एट दैट टाइम द फूड विच द अर्ली मैन ईट, दैट इज द रा रा वेजिटेबल एंड रा फ्लैश, जो भी था फ्रूट्स हुआ करते थे ट्रीज के, या कुछ भी खाता था तो वो कच्चा ही खाता था। इसी तरह व्हेन ही किल द एनिमल्स तो उसके फ्लैश को भी वो कच्चा ही खाया करता था अर्ली मैन। तो आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंस, द अर्ली मैन लर्न हाउ टू टेम द एनिमल्स। टेम द एनिमल्स मीन्स देखो, वो भी फॉरेस्ट में रहता था एंड देयर आर मेनी एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, सो सम एनिमल्स आर वेरी डेंजरस हु किल द अदर एनिमल्स एंड ईट देयर फ्लैश। तो इतने दिन से फॉरेस्ट में रहते रहते उसे पता चल गया था कि विच आर द डेंजरस एनिमल्स एंड विच आर द एनिमल्स विच आर नॉट, और अर्ली मैन वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ दैट एनिमल्स, तो उसने उनको वश में किया और अपने साथ रखने लगा, डोमेस्टिक बना लिया। काऊ है, बफेलो है, हॉर्स है, डंकी है, इज इट क्लियर? बट स्टूडेंट, व्हेन द अर्ली मैन लर्न हाउ टू डू कल्टीवेशन, लॉट ऑफ चेंज कम इन द लाइफ ऑफ अर्ली मैन। नाउ अर्ली मैन लर्न हाउ टू डू द कल्टिवेशन, अब उसे फार्मिंग करनी आ गई। तो इससे क्या बेटा, उसकी लाइफ में चेंजेस आई। पहले द अर्ली मैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आई राइट इट ऑन द बोर्ड पॉइंट बाय पॉइंट। अर्ली मैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। आफ्टर डैट क्या हुआ, ही टेम्ड सम
एनिमल्स, फिर उसने कुछ एनिमल्स को अपने वश में कर लिया और अपने संग रखने लगा। थर्ड स्टेप क्या हुआ, अर्ली मैन लर्न हाउ टू डू कल्टीवेशन, नाउ दिस इज द थर्ड पॉइंट, अर्ली मैन लर्न हाउ टू डू द कल्टीवेशन। सो विद दिस लॉट ऑफ चेंज कम इन द लाइफ ऑफ ए अर्ली मैन, ही कट द फॉरेस्ट, मेक द लैंड फ्री फॉर द कल्टिवेशन, कल्टिवेशन मीन्स होता है बेटा खेती करना, अब उसको क्रॉप्स लगाने आ गए, ठीक है, तो इससे उसकी लाइफ में क्या चेंजेस हुई, अब उसकी लाइफ क्या सेटल हो गई, पहले वो खाने की तलाश में घूमता रहता था, इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर ही मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट वेन द अर्ली मैन लर्न हाउ टू डू द कल्टिवेशन लॉट ऑफ चेंज कम इन द लाइफ ऑफ अर्ली मैन, नाउ ही सेटल एट वन प्लेस बिकॉज नाउ ही नो हाउ टू डू द कल्टिवेशन, अब उसे फार्मिंग करने आ गई, ठीक है, अब उसने क्रॉप्स लगाना स्टार्ट किए फील्ड्स में, और फील्ड्स कैसे बनाई, पेड़ों को कट करके, ही कट द फॉरेस्ट एंड मेक द लैंड फ्री फॉर द कल्टिवेशन, एंड फॉर दिस पर्पज स्टूडेंट इवन द अर्ली मैन टेक द हेल्प ऑफ द एनिमल्स ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि बेटा खेतों में जब फसल लगाते हैं ना, उससे पहले खेतों को क्या करते हैं, प्लो होते हैं, जिसे एक हल बोलते हैं, क्योंकि जो सॉइल होती है वो बहुत हार्ड होती है, ठीक है, तो सॉइल को क्या करना होता है, सॉफ्ट करना होता है, कभी भी आप देखिएगा, कभी आप कोई प्लांट लगाते हो तो डायरेक्टली व्हाट यू विल डू, फर्स्ट आप एक होल करते हो, डिग करते हो, एक होल करते हो, ठीक है, एंड देन यू पुट दैट प्लांट इन दैट, ठीक है, फिर उसकी रूट्स को आप लोग सॉइल से जो होल किया उसी मड से कवर कर देते हो, इस तरह से आप लगाते हो ना, जो सॉइल होती है वो हार्ड होती है, तो कल्टीवेशन के समय फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लूज द सॉइल, और ये क्या किससे होता था, जिससे प्लो द लैंड, जिससे कहते थे हल चलाना, तो हल क्या निडल की तरह होती है, ये निडल्स जब लैंड में लगती है तो उससे क्या होता है, सॉइल क्या होती है, सॉइल ब्रेक होती है और सॉफ्ट होती जाती है, ठीक है, जैसे आज प्रेजेंट टाइम में देखो फार्मिंग में ये काम किससे हम लोग करते हैं, ट्रैक्टर से, बहुत सी निडल्स होती हैं ट्रैक्टर में पीछे की ओर देखोगे 6 to 8, और उस निडल्स को हम लोग सॉइल में वो करते हैं, और ट्रैक्टर को जब चलाते हैं तो इट ब्रेक द सॉइल, जिससे ब्रेक होने से जो हार्ड सॉइल हो जाती है अपर लेयर वो ब्रेक हो जाती है और उसे सॉफ्ट किया जाता है पहले, और सारे उसमें से जितने भी स्टोन्स पार्ट के पीबल्स होते हैं ये सब निकाल के बाहर फेंके जाते हैं, ठीक है, तो अब क्या है, अर्ली ह्यूमन बींग्स ने एनिमल्स को भी यूज किया इसमें, ठीक है, अर्ली ह्यूमन बींग यूज एनिमल फॉर दिस पर्पस आल्सो, एनिमल्स को भी उन्होंने इसलिए यूज किया, ठीक है, बिकॉज दे नो द एनिमल्स, दे नो दैट द एनिमल्स दे आर वेरी स्ट्रांग, सो इवन दे एट द टाइम ऑफ ए कल्टिवेशन दे टेक द हेल्प ऑफ द एनिमल्स ऑल्सो, ये सब हमने डिस्कस किया था, ठीक है, आफ्टर डैट और भी ज्यादा उसके लाइफ में चेंजेस आई विद द डिस्कवरी ऑफ ए फायर, ठीक है, विद द डिस्कवरी ऑफ फायर ही कम टू नो दैट ऑल द एनिमल्स विच आर लिविंग इन द फॉरेस्ट इवन दोज एनिमल्स फ्रॉम विच ही वॉज अफ्रेड, ऐसे एनिमल्स भी जिनसे वो डरता था, उसने देखा कि एक्सीडेंटली कभी किसी जंगल में आग लग गई होगी तो सारे एनिमल्स भाग रहे थे फायर देख के, सो नाउ ही कम टू नो दैट दिस इज फायर इज अ वेरी गुड थिंग फॉर हिम, अब जो वहां रहता था केव्स में अर्ली मैंस रहते थे तो वो लोग जहां भी स्टे करते थे रात को लकड़ियां जला देते थे, ठीक है, अब तुम लोग सोचे होगे कि उनको, उसने तो सिर्फ देखा फायर को तो उसे जलाना कैसे आ गया, तो इन द ओल्ड टाइम व्हेन मैंने आप लोगों को बताया कि अर्ली मैन इवन हंटेड द एनिमल्स, अर्ली मैन क्या है एनिमल्स को भी मारा करते थे, तो उस समय उनके पास कोई ऐसे औजार नहीं थे, तो वो लोग क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों से ही शिकार करते थे, ठीक है, और वो पत्थर के जो निडल्स बनाते थे बहुत जिस शार्प बनाते थे जिससे कि एनिमल्स को मारा जा सके, तो हो सकता है दो पत्थरों को वो आपस में रब किया होगा उन्होंने शार्प करने के लिए, तो उसमें से
देखते हो ना स्ट्राइक, जब पत्थर स्ट्राइक करते हैं तो चिंगारी उसमें से निकलती है, स्पार्क कम्स आउट, और जब वो सूखे पत्तों पे पड़ी होगी तो आग जल गई होगी. सो इन दिस मैनर द अर्ली मैन लर्न हाउ टू, कैसे स्पार्क से फायर की जा सकती है, आग लगाई जा सकती है, बाई रबिंग द स्टोन्स. स्टोन्स को आपस में कस के जब स्ट्राइक करेंगे तो उसमें से जो स्पार्क निकलेगी, एंड व्हेन दिस स्पार्क फॉल्स ऑन द ड्राई लीव्स इजिली इट कैन कैच द फायर. तो इस तरह उन लोगों को फायर का भी यूज करना अर्ली ह्यूमन बींग्स को आ गया था. ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, क्ले एंड पॉट्स. अब यहां डिस्कस करते हैं बेटा, नेक्स्ट इज द क्ले एंड पॉट्स. सो नाउ स्टूडेंट, हाउ देयर इज अ नीड ऑफ ए क्ले एंड पॉट्स फॉर द अर्ली ह्यूमन बींग्स. अब देखो बेटा, जैसे जैसे होता है ना, अब पहले तो वो घूमता था खाने की तलाश में, अब उसके बाद उसे एनिमल्स को भी टेम करना आ गया. आफ्टर दैट अनदर स्टेप इज दैट दे लर्न हाउ टू डू द कल्टीवेशन. सो आफ्टर दैट देयर लाइफ बिकम सेटल, क्योंकि अब उसे कल्टीवेशन खेती करने आ गई थी. अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्ले मतलब मिट्टी, ठीक है, क्ले एंड पॉट्स. अब मिट्टी के बर्तन की उसको क्या जरूरत पड़ी. अब उस देखो, जैसे जैसे हम लोग कुछ करते रहते हैं तो हमारी नीड्स भी बढ़ती चली जाती हैं. अब उन्हें क्ले और पॉट्स से क्या रिलेशन हुई अर्ली ह्यूमन बींग्स की, क्योंकि जस्ट नाउ आई टेल यू दैट अर्ली ह्यूमन बींग्स लर्न हाउ टू डू द कल्टीवेशन. अब कल्टीवेशन मतलब अनाजों को लगाना होता है, ठीक है. अनाज लगाने के बाद जैसे आप लोग देखते होंगे किचन में, सारे मम्मी ने अलग अलग डिब्बे बना रखे होंगे, उसमें राइस रखते होंगे, व्हीट तो नहीं, व्हीट को ग्राइंड करके उसको फ्लोर आटे में चेंज करते हैं. There are lot of pulses your mother put in different bottles and different containers. Bottle नहीं, containers, छोटे छोटे containers घर में होते हैं जिसमें ये eatables item रखी जाती हैं. तो इसी तरह अब जब उसने cultivation करना सीख लिया तो अब उसके सामने problem ये आई कि अब इसको store कहाँ करें. You are understanding what I am saying? अब उसके सामने problem आई होगी. अब उसने इतना ज़्यादा cultivation से अनाज तो बना लिया, अब अनाज तो एक दिन में तो वो खा नहीं जाता. तो अब देखो, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आई वैसे वैसे बेटा डिस्कवरीज होती रही. सिंपल, ठीक है. जब जैसे जैसे उसके जिंदगी में प्रॉब्लम्स आई, उनको सॉल्व करने में वो कुछ करता रहा, और उसी को हम लोग डिस्कवरी या इन्वेंशंस कह सकते हो. अब जब उसने कल्टीवेशन सीख लिया तो लॉट ऑफ ग्रेन्स, अब बहुत सा अनाज उसके पास हो गया. तो अब उसने सोचा अभी इस अनाज को कैसे रखें, कैसे स्टोर करें. अगर डायरेक्टली वो सॉइल के टच में अनाज होता तो वो सारा खराब हो जाता सड़के, ठीक है. तो क्योंकि आप जितने भी चीजें देखते होगे इटेबल्स आइटम होती हैं, सो वो ड्राई जगह पे हम लोग रखते हैं, ठीक है, ऐसी जगह पे नहीं रखते हैं कि वो खराब हो जाएं. तो अब उसके सामने एक प्रॉब्लम अराइज हुई कि अब इनको स्टोर कहाँ कराएं. इसके लिए तो अब उसे कंटेनर चाहिए. तो कंटेनर कोई चीज रखने का सामान चाहिए, जिसको हम लोग इंग्लिश में कह रहे हैं कि अब उसको कंटेनर चाहिए. तो अब उसने दिमाग लगाया होगा, ठीक है, कि नाउ अब इसको स्टोर किस चीज में करें, ठीक है. तो ये प्रॉब्लम उसके पास आई, इसलिए नेक्स्ट स्टेप है क्ले एंड पॉट्स. अब देखो, द अर्ली मैन नीडेड कंटेनर टू कीप द ग्रेन ही हैड ग्रोन, ठीक है. अब अगली नेक्स्ट स्टेप जो उनकी प्रॉब्लम थी, दे नीड ए कंटेनर्स, दे नीड ए कंटेनर्स. देखो, जैसे जैसे प्रॉब्लम अराइज होती रही, उनको वो सॉल्व करते रहे, और वही नई नई डिस्कवरीज होती रही. अब देखो, उनके पास सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ गई कि अब इतनी कल्टीवेशन करना सीख लिया, अब इतना जो ग्रेन्स है, जो अनाज है, अब इसको हाउ दे कीप, वेयर दे कीप दिस ग्रेन्स. सो दे नीड समथिंग, उनको किसी चीज की जरूरत थी जिसमें वो अपने ग्रेन्स को, फसलों को, जो अनाज उन्होंने कल्टीवेशन से, खेती से जो पैदा किया था, उसको उसमें स्टोर कर सकें, रख सकें. इट मींस दे नीड अ कंटेनर, इट मींस दे नीड ए कंटेनर. अब देखो स्टूडेंट, क्या हुआ, दे स्टार्टेड मेकिंग कंटेनर सच एज स्ट्रा बास्केट. स्ट्रा बास्केट्स मीन तो अब उसने बास्केट बनाना स्टार्ट किए. स्ट्रा बड़े बड़े घास होते हैं जंगलों में, उनको यूज किया, या आपने झाड़ियां देखी हैं, ठीक है, बुशेस, बुश की जो ब्रांचेस होती हैं वो काफी
मतलब फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी होती है। आपने देखा होगा, आप कहीं आपने अपने घर में भी देखा होगा या किसी रेस्टोरेंट ये सब में जिसमें लोग पूड़ीज और ये सब सर्व करते हैं, वो बांस की आपने देखी होंगी, वो बनी होती हैं, ठीक है। सो अब उसने क्या किया, इस अनाज को ग्रेन को स्टोर करने के लिए स्टार्टिंग में स्ट्रा बास्केट बनाए, जो बड़ी बड़ी घास होती है उसको मोड़ के ऐसा कुछ उन्होंने किया कि इसमें ग्रेन रखे जा सके। लेकिन इसमें उन्होंने देखा कि इसमें ग्रेन रखने से कोई ज़्यादा फायदा उन्हें नज़र नहीं आया, ठीक है। क्योंकि देखो अब जैसे ये सब चीज़ें हैं, आप इसमें रखोगे ग्रेन्स है, ठीक है, वो ड्राई भी रखना है, ठीक, तो उसके लिए कुछ ऐसा कंटेनर चाहिए था जो नीचे से पूरा ही क्या हो, मतलब कि उसमें देयर शुड बी नो गैप, नहीं तो ये ग्रेन्स अनाज के दाने तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, थोड़ा भी गैप होगा तो सारे गिर जाएंगे उसमें से। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। जो किचन में आप लोग की मम्मी लोग डिब्बे यूज़ करती हैं वो नीचे से उसमें छेद नहीं ना होते हैं, क्योंकि जो ईटेबल आइटम्स होती हैं ये बहुत छोटी छोटी होती हैं, अगर उसमें बड़े बड़े छेद होंगे ऑल द थिंग्स विल फेल डाउन। सो उसने स्टार्टिंग में क्या बनाया, स्ट्रा बास्केट बनाए, ओके। अब देखो, दे वुड देन कवर देम विद अ मड एंड क्ले, ही इवन यूज शेल्स ऑफ फ्रूट्स लाइक कोकोनट। अब उन्होंने स्टार्टिंग में स्ट्रा बास्केट बनाए और वो जो मैं आपसे बता रहा हूँ जो गैप है, छोटे छोटे गैप, क्योंकि ग्रेन्स क्या होते हैं, जो अनाज होता है बहुत छोटे साइज का होता है, वो गिर जाता था, तो उसने क्या किया, उसको कवर करने के लिए क्ले और मड का यूज किया, मिट्टी यूज की, गीली मिट्टी, ठीक है। उसने क्या यूज किया, स्टार्टिंग में उसने यही किया, उसने गीली मिट्टी यूज की, बास्केट बनाए स्ट्रा के, उसके बाद गीली मिट्टी से उसे कवर किया नीचे से और ऊपर से भी, जिससे कि ये अनाज के दाने गिरे ना, ठीक है। तो ये मेथड उसने स्टार्टिंग में किया। इवन यूज शेल्स ऑफ ए फ्रूट्स लाइक कोकोनट, तो शेल्स क्या है, शेल्स ऑफ फ्रूट लाइक, शेल्स ऑफ फ्रूट लाइक कोकोनट। अब देखो शेल्स ऑफ, उसने अब जैसे आप लोग ने नारियल देखा है सामने, ठीक है, नारियल के अंदर का फ्रूट्स आप खा जाते हो तो उसके बाद जो उसकी आउटर कवरिंग होती है वो बहुत हार्ड होती है। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, आपके घर में आता होगा हमेशा, हम लोग नारियल आपने सबने देखा होगा, जो अंदर का जो फूड होता है उसके अंदर होता है, ठीक है, वो हम लोग खा लेते हैं और उसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो बड़ी हार्ड होती है। तो अब उसने उसको भी यूज करने का सोचा, लेकिन डैट इज अ वेरी, कोकोनट का जो आउटर शेल था वो बहुत स्मॉल है। अब आप लोग समझ सकते हो, अनाज अगर पूरे खेती उसने की, कल्टिवेशन की है, तो बहुत ज़्यादा होगा, तो इतने छोटे छोटे में तो वो रख नहीं सकता। तो हो सकता है उसने कोकोनट को शेल को यूज किया ऑफ आर ड्रिंकिंग वाटर, पानी तो पी सकता था उसमें, जैसे आज हम लोग घर में पानी कैसे पीते हैं, ग्लास में पीते हैं, वी टेक द वाटर इन द ग्लास एंड देन वी ड्रिंक इट। तो वो हो सकता है कि वो कोकोनट शेल जो थे वो उसके वाटर ड्रिंकिंग के काम आते होंगे, इज इट क्लियर, क्योंकि शेल, कोकोनट के शेल इतने बड़े नहीं थे कि वो इतना ज्यादा ग्रेन्स उसमें रख सकता। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, सो होपफुली उसने उनका यूज शायद ड्रिंकिंग वाटर में किया हो या कोई और छोटा मोटा सामान रखने के लिए किया हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, बट दीज कंटेनर वर नॉट स्ट्रांग, अब बट दीज कंटेनर आर नॉट स्ट्रांग, जो मैंने ये स्ट्रा बास्केट वाला बोला उसको मड से कवर करता था, तो ये तो स्ट्रांग नहीं ना थे, मतलब मजबूत नहीं थे, टूट जाएंगे, टूटने का डर है, टूट जाएंगे तो सारे ग्रेन्स गिर जाएंगे, अनाज खराब हो जाएगा। सो अब क्या उनके दिमाग में आइडिया आया, देखो मैंने क्या कहा, जैसे जैसे कोई उनको प्रॉब्लम्स होती गई, उन प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करते गए और वही सॉल्यूशन ही उनकी डिस्कवरी या इन्वेंशन आप कह लो बनता गया, उनकी सॉल्यूशन ही उनकी डिस्कवरी या इन्वेंशन बन गया, इज इट क्लियर। क्योंकि उन्हें कोशिश की, पहले स्ट्रा बनाए, स्ट्रा के बास्केट बनाए, अब देयर इज अ गैप, उसमें गैप था तो उस गैप को कवर कर दिया मड से, लेकिन अब ये बंद तो गए लेकिन ये स्ट्रांग नहीं थे, स्ट्रांग नहीं होंगे, हो सकता है कि उसे कैरी नहीं किया जा सकता है, कैरी करने में टूट जाते होंगे, ठीक है। फिर उसने कोकोनट शेल भी ट्राई किया, उसका साइज बहुत स्मॉल था, तो हो सकता है उसको ड्रिंकिंग वाटर के पर्पज से यूज किया होगा, जैसे आप लोग आज के डेट में ग्लास से पानी पीते हो ना, यू ड्रिंक वाटर इन द ग्लास, सो हो सकता है मे बी कोकोनट शेल्स को उसने यूज किया ऑफ आर ड्रिंकिंग द वाटर, ओके। अब देखो लास्ट में क्या हुआ, बट दीज कंटेनर्स वर नॉट स्ट्रांग, तो ये जो स्ट्रा बास्केट वाले उसने कंटेनर, कंटेनर मीन्स थिंग्स इन विच वी
kept anything, ठीक है, किसी भी सामान को उसमें रख सकें तो जिसमें रखते हैं उसी को कंटेनर बोलते हैं, ठीक है। कंटेनर बड़े साइज के भी हो सकते हैं, कंटेनर स्मॉलर साइज के भी होते हैं। कंटेनर से एक कॉन्सेप्ट समझो, मतलब किसी चीज को हमको उसमें रखना है, ठीक है। द थिंग विच कैन स्टोर, जो दूसरे थिंग को अपने अंदर स्टोर करके रख सकती है, वो कंटेनर हो गया। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, ही वॉज एबल टू मेक ऑल काइंड्स ऑफ पॉट। अब देखो, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फायर ही लर्न टू बेक दीज क्ले पॉट्स एंड मेक देम स्ट्रॉन्गर। ही वॉज एबल टू मेक ऑल काइंड्स ऑफ पॉट्स। अब देखो उसने क्या किया, मिट्टी के बर्तन बनाना स्टार्ट कर दिए। क्यों? डिस्कवरी ऑफ फायर तो हो ही यही थी, ठीक है। अब देखो उसने बहुत सी चीजें, दे लर्न बाई डूइंग, बहुत सी चीजें उसने लर्न की बाई डूइंग, ठीक है। अब उसके दिमाग में आया होगा, हो सकता है कभी फायर लगा, जो उसने पॉट्स बनाए होंगे उसको उसने फायर में रख दिया होगा, और आफ्टर दैट व्हेन दे ऑब्जर्व दैट, आफ्टर दैट जब उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया होगा, देन उन्हें एक नया कुछ लगा होगा कि वाइल बेक, जब इसको बर्न कर दे रहे हैं पॉट्स को फायर में, तो ये तो बहुत हार्ड हो जा रहे हैं। तो इस तरह उसको दिमाग में मिट्टी के बर्तन कैसे बनते हैं ये कॉन्सेप्ट आया। ओके स्टूडेंट, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, स्टेप बाय स्टेप समझो, क्योंकि देखो उन्हें बताने वाला कोई नहीं था। आज आप लोगों हर चीज में आपके पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा, भाई बड़े एल्डर ब्रदर सिस्टर, आपको बताने वाले बहुत हैं, लेकिन अर्ली ह्यूमन बींग्स की लाइफ जस्ट लाइक ए एनिमल थी। नो वन इज देयर टू हेल्प देम, दे लर्न बाई देयर ओन। जैसे जैसे उनको किसी चीज की जरूरत पड़ती गई, प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आती गई, उसका वो लोग सॉल्यूशन खोजते रहे। जब उनको सॉल्यूशन मिल गया तो समझ लो वही एक इन्वेंशन या डिस्कवरी हो गई उनके लिए, क्योंकि नो वन इज देयर टू टेल देम एनीथिंग, सो दे हैव डन ऑल दिस थिंग बाय देयर ओन, अपने एफर्ट्स थे उनके, ठीक है। अब मान लो उनको कल्टिवेशन नहीं आती तो उनको कंटेनर की जरूरत कहां पड़ती, वो घूम घूम के तो खा ही रहा था, लेकिन घूम घूम के खाने के फिर उसके बाद जब उसको कल्टिवेशन आ गई तो उसके पास बहुत सा ग्रेन हो गया, खाने के लिए बहुत सा फूड हो गया। अब फूड हो गया तो फूड तो ऐसे स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो अब उसको रखने के लिए उसको कुछ चाहिए था, तो उसने सोचा कुछ ऐसी चीज हो, जैसे अब ये सब मैंने बोला बास्केट वास्केट बनाने में तो इसमें तो गैप होता है और बहुत स्मॉल स्मॉल दाने होते हैं किसके, ग्रेन्स के, ठीक है। सो देखा होगा उसने कि इस तरह के बास्केट पे रखने में क्या हो रहा है, ये तो सारे गिर जा रहे हैं। सो तो उसने फिर क्या दिमाग लाया, चलो उसको सॉलिड करने के लिए मड से कवर करने सपोर्ट दिया, मड लगाना स्टार्ट किया, तो वैसा उसने किया, लेकिन इससे भी उसे कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि ये बहुत वीक थे, दे आर नॉट स्ट्रॉन्गर। बाई चांस उसके दिमाग में आया होगा कि कम ऑन लेट कैप द मड, बर्न द मड, अब देखते हैं क्या होता है। सो वेरी सरप्राइज टू नो दैट व्हेन दे बर्न द मड और दे बर्न द पॉट्स, मिट्टी के जो उसने बर्तन बनाए, जब उसको बर्न किया फायर में, तो सरप्राइजली उन्होंने क्या देखा, व्हाट दे रियलाइज दैट इट बिकम वेरी हार्ड। सो विद द डिस्कवरी ऑफ फायर हो ही चुकी थी, अब उनके दिमाग में आया कि ये जो मिट्टी है ना, मड क्ले, इसको पहले बनाओ और उसके बाद इसको बेक करो, इसको बर्न करो फायर में, तो ये बहुत स्ट्रांग हो जा रहे हैं, दे बिकम अ बेस्ट कंटेनर फॉर टू कैप्ट द ग्रेन्स विच ही ग्रो इन द फील्ड्स, ऐसे उनको आइडिया आया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बेटा, पॉटर व्हील्स की बात की है, ठीक है। तो पॉटर व्हील से पहले तुम्हें थोड़ा सा मैं बताऊंगा, नेक्स्ट इसके बाद बात की है बेटा पॉटर व्हील। अब देखो नेक्स्ट, अब इसमें डिस्कशन दी है बुक में बेटा पॉटर व्हील्स के। अब देखो व्हील, जब हम व्हील की बात करते हैं तो डायरेक्टली व्हील पे आपको एग्जांपल देने से बेटर है कि इसको भी समझ लो। देखो ह्यूमन बींग्स की लाइफ में, जैसे मैंने बोला विद द डिस्कवरी ऑफ, व्हेन दे लर्न हाउ टू डू द कल्टिवेशन, इट चेंज द लाइफ ऑफ द अर्ली ह्यूमन बींग्स। व्हेन दे डू द डिस्कवरी ऑफ फायर, क्योंकि उन्होंने फायर को पहले देखा कि फायर से बड़े फायदे हैं, लेकिन अभी उन्हें यह नहीं पता था फायर लगेगी कैसे, बाई चांस कभी एक्सीडेंटली लग गई होगी जंगल में फायर, तो ये तो उन्होंने ऑब्जर्व किया था, लेकिन मान लो
जैसे अब हम किचन में जाते हैं खाना बनाने, तो हमें पता है ना कि गैस है, तो गैस को लाइटर से जलाना है, गैस के ऊपर ऐसे ऐसे हाथ फेरेंगे, जादू नहीं ना होगा कि अपने आप उसमें से फ्लेम आ जाएगा, जलने लगे, चलो बनाओ खाना। तो ऐसा ही उनके संग था, उन्होंने देखा ये चीज ऐसी ही है, ये तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये भी उन्होंने सीखा, मे बी दो स्टोन्स को शार्प करने के लिए आपस में टकरा रहे हो और उसमें से कुछ स्पार्क्स निकली हो, वो स्पार्क गलती से ड्राई लीव्स पे पड़ गई हो और आग लग गई होगी, तो अब उसके दिमाग में आ गया, अब उसको जब जरूरत होती थी वो स्टोन्स को आपस में रब करता था, उसमें से जो स्पार्क होती थी ड्राई लीव्स पे गिरते ही वो जलने लगती थी। अब उसे समझ में आ गया कि ये फायर अब कहाँ से आएगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है पॉटर विल्स। तो पॉटर विल्स में भी देख लो स्टूडेंट, अब उनसे किसी ने बताया थोड़ी ना, बिकॉज ही इज डूइंग ऑल द थिंग बाय ऑब्जर्विंग। अब देखो उसने, हो सकता है उसने देखा हो, बहुत देर आर डिफरेंट थिंग्स अराउंड और देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स इन द जंगल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स। तो हो सकता है उसने कहीं से आइडिया दिमाग में लगाया होगा उसने कि जो राउंड ऑब्जेक्ट हैं दे कैन मूव वेरी इजिली ऑन द ग्राउंड। हो सकता है ये आइडिया उसको, ही इज ईटिंग द फ्रूट फ्रॉम द ट्रीज। तो हो सकता है कभी कभी होता है फल पकने के बाद अपने आप पेड़ से गिर जाता है, तो अब मैक्सिमम फल्स जो फ्रूट्स होते हैं बेटा उनकी शेप मैक्सिमम की राउंड ही होती है। हो सकता है उसने किसी फॉलन फ्रूट को देखा होगा कि वो गिरा वहां और फिर उसके बाद वो राउंड राउंड गोल था उसका, इट इज राउंड शेप था, तो कुछ दूर तक वो चला गया, तो ऐसे उसको आइडिया आया होगा कि अरे ये तो बड़ी बढ़िया चीज है, जो चीजें राउंड शेप की हैं दे कैन मूव इजली ऑन द ग्राउंड। अब उसको राउंड शेप में क्या मिलता अपने अगल बगल, अब क्या उसने राउंड शेप में फिर खोजा होगा, तो उसने देखा होगा जितने भी ट्रीज हैं उनके ट्रंक जो तना कहते हैं हम लोग हिंदी में, मैक्सिमम आप भी देखना ऑब्जर्व करना, ट्रीज के जो ट्रंक होते हैं मैक्सिमम राउंडी शेप के होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम राउंड शेप के होते हैं, तब हो सकता है उनके दिमाग में आया होगा उसने किसी ट्री के ट्रंक को काटा होगा, गोल गोल बड़े बड़े दो राउंड शेप के पीस निकाले होंगे। अब उसने फिर दिमाग लगाया होगा कि अब ये दो सर्किल तो से मिल गए इस तरह के, ठीक है, ही गेट टू सर्किल्स। मान लो उसने कट किया होगा तो ऐसे ऐसे ट्री के ट्रंक को कट करोगे तो ऐसे ही राउंड शेप मिलेगा ना, व्हील शेप की कोई चीज मिलेगी, तब उसने सोचा होगा अभी इसको मूव कैसे कराएं। तो हो सकता है उसने आइडिया लगाया होगा दोनों को मूव कराना है तो इनके बीच में कुछ होना चाहिए ताकि दोनों मूव करें, तो उसने मे भी किया होगा इसमें होल कर दिया, इसमें होल कर दिया और इन दोनों के बीच में क्या एक स्टिक लगा दी, क्या लगा दी, स्टिक लगा दी, क्योंकि वो लोग ऐसे उल्टे सीधे काम करते रहते थे, अब कभी कोई काम सही हो गया वो डिस्कवरी बन गई। तो हो सकता है उसने ऐसे दो लॉक्स ऑफ वुड काटे होंगे, अब फिर सोचा होगा इन दो को एक संग कैसे चलाएं, तो कुछ होना चाहिए ना इनके बीच में जो जिससे ये दोनों आपस में एक दूसरे से अटैच रहे, उनको आइडिया आया होगा यहाँ भी बीच में सर्किल कट कट काट दो, इधर भी काट दो, अब इन दोनों के बीच में एक स्टिक लगा दो जिससे कि जब हम स्टिक को मूव करेंगे तो ये दोनों सर्किल आपस में व्हील्स आपस में मूव करेंगे। इस तरह उसने इन्वेंशन कर दिया होगा व्हील का, मे बी इस तरह उसने किसका इन्वेंशन कर दिया, व्हील का इन्वेंशन कर दिया। ठीक है, अब व्हील का इन्वेंशन भी हो गया, विद द डिस्कवरी ऑफ द व्हील अ पॉटर व्हील प्रूव टू बी वेरी यूजफुल। अब जैसा मैंने बोला ना डिस्कवरी ऑफ व्हील, व्हील की डिस्कवरी के बाद पॉटर व्हील क्या हो गई, वेरी यूजफुल हो गई, जो पहले वो मिट्टी के बर्तन बनाना स्टार्ट किया था क्ले के, सो एट दैट टाइम पहले तो ऐसे ही बना रहा था जो टोटली स्ट्रांग नहीं थे, उसके बाद वन ही बर्न दैट क्ले इनटू द फायर, देन ही ऑब्जर्व दैट नाउ आफ्टर व्हेन इट कम इन टच ऑफ द फायर इट बिकम वेरी वेरी स्ट्रांग। ठीक है, तो हो सकता है उस समय उसने टेढ़े मेढ़े बर्तन बनाए हों, बनाए होंगे स्ट्रांग बर्तन, नो डाउट उसने नहीं बना लिए, बना लिए होंगे, लेकिन हो सकता है उनकी उतनी अच्छी वो शेप ना दे पा रहा हो। अब बेटर शेप के लिए जब देखो व्हील है, व्हील की डिस्कवरी हो गई तो एक से एक शेप के बर्तन बनने लगे, इज इट क्लियर, बिकॉज अब उसे क्या करना था, व्हील को गोल गोल नचाना था विद द हेल्प ऑफ ए स्टिक, स्टिक से व्हील को नचाना था और उसके बाद जो व्हील का सेंटर है वहां पे वो क्ले रखता गया और बाई हैंड ही स्टार्ट गिविंग शेप टू द क्ले, उसने क्ले को शेप देना स्टार्ट किया। इन दिस मैनर ही लर्न हाउ टू
मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए पॉट्स, मिट्टी के बर्तन वो कैसे बना सकता है विद द हेल्प ऑफ ए पॉटर व्हील, यही हमने पढ़ा, यही पढ़ा ना। अब देखो, विद द डिस्कवरी ऑफ द व्हील अ पॉटर व्हील प्रूव टू बी वेरी यूजफुल, यू हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियर, जो कि मैंने 10 या 11 चैप्टर में व्हील वाले चैप्टर में आपको बताया था हाउ द डिस्कवरी ऑफ व्हील टेक प्लेस, तो वही इसमें लिख रहा है ऑलरेडी, यू हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियर हाउ द व्हील वॉज इन्वेंटेड। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।